हेलो माय डियर बच्चा बड़ी, तो आज आपका स्वागत है नए क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो एक डाइस को दो बार उछालना है, तो डाइस के अंदर होते कितने डिजिट है? छह डिजिट है, ठीक है। और दो डाइस अगर उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे वो हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हमने लिख लिए कि यहाँ पे छह नंबर लिखे, यहाँ पे छह नंबर लिखे। तो अब जो कॉम्बिनेशन बनेगा, वन वन, वन टू, वन थ्री, मतलब कि ये वाली जो रोज है वो सब में सेम आएगी, और कॉलम के अकॉर्डिंग इसमें नंबर हम फिल अप करते जाएंगे। तो इस तरीके से ये नंबर आए। पहली प्रोबेबिलिटी हमें क्या फाइंड करनी है? फाइव विल नॉट कम आइदर टाइम। तो पहले हमें इवेंट क्या फाइंड करना है? फाइव विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब कि एक भी बार मुझे फाइव दिखना नहीं चाहिए। तो ये फाइव वाली लाइन है पूरी, और ये वाली फाइव की लाइन है। ये लाइन को अगर मैं निकाल दूं तो मुझे बाकी के जो सिस्टम से जितने नंबर है वो मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। काउंट कर लेते हैं। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। तो टोटल मेरे पास फाइव आने वाले कितने डिजिट है? इलेवन है। तो 36 में से अगर मैं इलेवन को माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आएगा 25। मुझे वही फाइंड करना है, फाइव विल नॉट कम आइदर टाइम, एक भी बार फाइव नहीं आना चाहिए। तो यहां पर मैं लिखूंगा फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू, क्या आया मेरे पास? 25। चलो इसी को हम आगे लेके सॉल्व आउट कर देंगे। सो पी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इवेंट ए अपॉन टोटल आउटकम। सो ये कितना है? 25 है फेवरेबल, और टोटल आउटकम की अगर बात करें तो मेरे पास है 36। 25 और 36 उसका कोई मेल नहीं होगा, वो कभी भी डिवाइड होगा नहीं। सो ये हमारा रहा आंसर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर नेक्स्ट इवेंट के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिया हुआ है कि 5 एक बार तो आना चाहिए, कम से कम एक बार आना चाहिए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा दो बार आना आ सकता है। तो इसके अंदर हम कंसिडर करें तो हमने पहले काउंट लगाया था, तो कितने हो रहे थे? यस 11 हो रहे थे। तो यहाँ पे हम फेवरेबल आउटकम्स क्या कर देंगे? 11 कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की फाइंड कर, इसलिए मैं इवेंट बी लिख के यहाँ पे क्या आएगा? 11, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 36। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर भी होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।